बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फाइलम एनेलिडा द मेटामेरिक बॉडी फॉर्म। सो इस चैप्टर में हम फाइलम एनेलिडा के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, उनके अडैप्टिव फीचर्स को स्टडी करेंगे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे, डाइजेशन कैसे करते हैं ये एनिमल्स, लोकोमोशन कैसे करते हैं, और ये सब चीज़ें हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले तो अगर हम टाइटल को देख लें तो व्हाट इज़ मेटामेरिक। एनेलिडा के जो एनिमल्स हैं, हम एनेलिडा के लिए ये मेटामेरिक बॉडी फॉर्म्स का वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज देयर बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। जैसा कि अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इन एनिमल्स की बॉडी जो है वो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। मेटामेरिज्म एक करेक्टर है जिसकी वजह से ये सेगमेंट्स बनते हैं। सो इन सेगमेंट्स की प्रेजेंस की वजह से हम कहते हैं कि देयर बॉडी इज़ मेटामेरिक। सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एनेलिडा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस फाइलम का करेक्टर क्या है कि इनकी बॉडी मेटामेरिक है, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इनकी बॉडी में जो सेगमेंट्स हैं उन सेगमेंट्स की प्रेजेंस की वजह से हम कहते हैं कि इनकी बॉडी मेटामेरिक है। सेकंड इज़ कि इनकी बॉडी बायलेटरल साइमेट्रिकल है। बायलेटरली साइमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि बॉडी का एक पार्ट मिरर इमेज है दूसरे पार्ट का, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। अगर हम सिर्फ इस पार्ट को देखें तो जो दूसरा पार्ट है वो एज़ इट इज़ इस पार्ट का मिरर इमेज है। जो चीज़ें इस पार्ट में हैं सेम चीज़ें दूसरे पार्ट में हैं, तो इस वजह से हम इसको बायलेटरली साइमेट्रिकल कहते हैं। और थर्ड कैरेक्टर इसका ये है कि ये वॉर्म लाइक होते हैं। ओके, द सेकेंड कैरेक्टर इज़ इनमें स्पाइरल क्लेवेज होती है। स्पाइरल क्लेवेज क्या है? जब एक एनिमल की डेवलपमेंट हो रही होती है, जब एक एनिमल डेवलप हो रहा होता है तो वो डेवलपमेंट की स्टेजेस से गुज़रता है, जिसमें डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। जाइगोट बनता है, जो एक स्टेप आता है उसमें ब्लास्टुला की डेवलपमेंट होती है। जैसे कि अगर सपोज़ हम एक एग्ज़ाम्पल ले लें, हमारे पास एक एग है एंड दिस इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट सेगमेंट्स। ठीक है, ये डिफरेंट सेगमेंट्स बन रहे हैं। अब इसी तरह डिवेलपमेंट की एक स्टेज आती है जिससे जो दो तरह की हो सकती है, या तो वो रेडियल होती है या तो वो स्पाइरल होती है। रेडियल में तो ये होता है कि एक के ऊपर दूसरा स्टेप बाय स्टेप डिवेलपमेंट हो रही है पार्ट्स की, जैसे कि ये है, इसके साथ दूसरा बिल्कुल इसके ऊपर डेवलप हो रहा है। तो जो क्लेवेज हो रही है, मतलब अगर ये एक सेल है इसमें डिवीजन हो रही है, क्लेवेज हो रही है, तो इस क्लेवेज में क्या है कि एक सेल के ऊपर दूसरा सेल डेवलप होगा। ऐसे क्लेवेज को रेडियल क्लेवेज बोलते हैं। और जो क्लेवेज की दूसरी टाइप है उसमें क्या होता है कि अगर क्लेवेज हो रही है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, दिस इज़ द थर्ड वन, दिस इज़ द फोर्थ वन, एंड इस तरह से, मतलब वो प्रॉपरली एक दूसरे के ऊपर उस फॉर्म में क्लेवेज नहीं होती, वो इरेगुलर शेप में होती है। सो दिस इज़ द डायग्राम। अगर रेडियल क्लेवेज को देखें तो एक के ऊपर दूसरे क्लेवेज है, और अगर स्पाइरल क्लेवेज को देखें तो वो कुछ इस तरह की है। ये डेवलपमेंट की स्टेज में एक स्टेज होती है। सो दिस, अच्छा, सेकेंड इज़ ट्रोकोफोर लार्वी। ट्रोकोफोर लार्वी में क्या है, मतलब अगर इनकी डेवलपमेंट हो रही है, इनके डेवलपमेंट के दौरान इनमें एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें हम इनको ट्रोकोफोर लार्वी का नाम देते हैं। ये वो लार्वा है, ट्रोकोफोर लार्वा वो लार्वा होता है जो इजीली स्विम कर सकता है, जो स्मॉल लार्वा होता है और फ्री स्विमिंग उसमें होती है। और ये लार्वा का जो करेक्टर है ये मोस्टली एनेलिड्स में ही प्रेजेंट होता है, और कुछ मोलस्का के एनिमल्स में भी ये प्रेजेंट होता है। और ये लार्वी जो है
ये स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेरिकल शेप होती है कुछ इस तरह की, फ्री स्विमिंग होता है और स्मॉल होता है। उसके अलावा इनमें सिलोम फॉर्मेशन होती है, मतलब डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट के दौरान मेरिस्टम्स बन रहे हैं, सेगमेंट्स बन रहे हैं और उनमें सिलोम प्रेजेंट है। नेक्स्ट करेक्टर इज पेयर्ड एपिडर्मल सिटाई। इनकी बॉडी में सिटाई प्रेजेंट होते हैं जो कि पेयर्ड होते हैं और एपिडर्मस पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सिटाई अगर हम इसी को ले लें, सपोज़ ये एक एनिमल है और ये इसकी बॉडी है, इसकी बॉडी पर आउटवर्ड ये प्रोजेक्शंस हैं, इन प्रोजेक्शंस को हम सिटाई कहते हैं। और ये पेयर्ड होते हैं, ये दोनों साइड पे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये वाली जो लेयर होती है दिस इज़ एपिडर्मिस, इसके अंदर एंडोडर्मिस है। आउटर लेयर जो है ये दिस लेयर इज एपिडर्मस। तो एपिडर्मल लेयर पर इनके सिटाई प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है। डोर्सल सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स विद गैंग्लिया। अब अगर इस डायग्राम को देखें, ये इनका डोर्सल रीजन है एंड दिस इज द वेंट्रल रीजन, ठीक है। इनका जो डोर्सल रीजन है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो गैंग्लिया है, दीज आर डोर्सल सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया। जो डोर्सल साइड पर होते हैं वो सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया होते हैं। उसके अलावा अगर इनकी वेंट्रल साइड पर देखें तो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है एक, दिस इज द कॉर्ड। इस कॉर्ड से गैंग्लियाज प्रोड्यूस होते हैं और उनको हम वेंट्रल गैंग्लिया भी कहते हैं। उसके अलावा इनकी बॉडी में मेटानेफ्रीडियम प्रेजेंट होते हैं और प्रोटोनेफ्रीडियम प्रेजेंट होते हैं। सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, रिलेशनशिप टू अदर एनिमल्स। अगर हम दूसरे एनिमल्स के साथ इनके रिलेशनशिप की बात करें तो एनेलिडा को मोनोफाइलेटिक असेंबलीज भी कहा जाता है। एनेलिडा में मोनोफाइलेटिक असेंबलीज होती है। मोनोफाइलेटिक असेंबलीज क्या है कि ये बड़े क्लोजली रिलेटेड होते हैं और इनका काफ़ी ताल्लुक होता है दूसरे 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 ग्रुप के, दूसरे फाइलम के एनिमल्स के साथ। और ज़्यादातर इनकी असेंबलीज ऑब्वियसली, क्योंकि ये वाटर में रहने वाले हैं तो इनकी करेक्टरिस्टिक्स मैच होती हैं मैरीन, फ्रेश वाटर और टेरिस्ट्रियल वॉर्म्स, कुछ टेरिस्ट्रियल वॉर्म्स के साथ भी, मोस्टली मैरीन और फ्रेश वाटर वॉर्म्स के साथ, लेकिन कुछ हद तक टेरिस्ट्रियल वॉर्म्स के साथ भी। उसके अलावा दे आर लोफोट्रोकोजोन्स एंड शेयर कॉमन एंसेस्ट्री विथ मोलस्का। ये जो हैं ये क्लोजली रिलेटेड हैं, इंसेस्टर्स इनके रिलेटेड हैं, कॉमन एंसेस्ट्री मतलब इनके इंसेस्टर्स मोलस्का के साथ, ब्रैकियोपोडा के साथ, ब्रायोजोआ के साथ और अदर फाइलम्स के साथ क्लोजली रिलेटेड हैं। सो इनका दूसरे एनिमल्स के साथ रिलेशन है। दीज आर इन क्लोज रिलेशनशिप विथ अदर एनिमल्स। सो मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, ओके, जैसा कि हम अभी फर्स्ट स्लाइड से ही मेटामेरिक बॉडी की बात करते आ रहे हैं, तो ये मेटामेरिक बॉडी और मेटामेरिज्म और टेगमेटाइजेशन है क्या बेसिकली। सो इसको स्टडी करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। अच्छा, अर्थवर्म की बॉडीज़ जो हैं वो रिंग लाइक सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। इसकी बॉडी में डिफरेंट दीज सेगमेंट्स, ये जो लाइंस हैं, ये सेगमेंट आपको दिख रहे हैं, इस तरह के सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेगमेंट्स की अरेंजमेंट जो है इस एनिमल में, हम इसको इसकी अरेंजमेंट को मेटामेरिज्म कहते हैं। अच्छा जी, अब मेटामेरिज्म जो है उसका इनके स्ट्रक्चर में, इनके फंक्शन में काफ़ी ज़्यादा रोल है। ये मेटामेरिज्म इनको इनकी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। इस मेटामेरिज्म की वजह से ये बहुत यूनिक करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। अच्छा जी, इनकी अरेंजमेंट, इनके बॉडी में जो जो ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं वो बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हैं इस मेटामेरिज्म की वजह से इसके साथ, मतलब ये जो सेगमेंट्स हैं, इन सेगमेंट्स की डिवीजन, फिर इन सेगमेंट्स का काम, फिर इनके अंदर प्रेजेंट जो भी चीज़ें हैं वो। ओके, अगर मॉडर्न एनालिट्स की बात करें
तो मॉडर्न एनालिटिक्स में जो मेरिस्टम्स मेटामेरिज्म है, ये मेटामेरिज्म डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। एक फंक्शन क्या है कि ये इनकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और दूसरा फंक्शन क्या है कि ये इनकी लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। ये फंक्शन जो हैं ये डिपेंड करते हैं अरेंजमेंट पर, जो भी मेटामेरिक अरेंजमेंट है उस पर डिपेंड करते हैं। ओके, डेवलपमेंट ऑफ मेटामेरिक सिलोन स्पेसिस एंड एनालिट्स। अब मेटामेरिक स्पेसिस की हम बात कर रहे हैं, मेटामेरिज्म की बात कर रहे हैं, तो ये स्पेसिस जो हैं ये डेवलप कैसे होती हैं? अच्छा, तीन स्टेप्स हैं। अ सॉलिड एक्टोडर्मल मैस सेपरेट एंडोडर्म एंड सॉरी अ सॉलिड मीजोडर्मल मैस सेपरेट एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान जो स्टेजेस होती हैं उसमें सबसे पहला जो इस वाले फेज का जो स्टेप है वो ये है कि सबसे पहले क्या होता है कि मीजोडर्म जो है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म को सेपरेट कर रहा है। देखिए, सेंटर में मीजोडर्म है हेयर, ये इसको और इसको एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है, इनके दरमियान एक गैप प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, दो कैविटीज़ जो हैं वो बनना शुरू होती हैं, दीज टू कैविटीज़, वन एंड टू। ये दो कैविटीज़ एक्सटेंड करती हैं साइड बाय साइड इस तरह से, इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप होता है। कैविटीज़ पूरी डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जाती हैं, सिलोम सैक्स जो हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, और इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसमें सेगमेंट्स बनते हैं, और दो तरह की मेसेंट्रीज की डेवलपमेंट होती है, वन इज़ डोर्सल एंड सेकेंड इज़ वेंट्रल। तो सेगमेंट्स की डेवलपमेंट कैसे हो रही है? स्प्लिटिंग की वजह से, मीजोडर्म स्प्लिट हो रही है, पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, और इस तरह सेगमेंट्स डिवाइड हो रहे हैं। एडवांटेजेस ऑफ मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म के क्या एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें जो ये सेगमेंटल अरेंजमेंट है इसके एडवांटेज की, तो क्या है ये कि ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव फंक्शंस और लोकोमोशन में हेल्प करता है। मतलब इसकी बॉडी में जो ये इसका हाइड्रोस्टैटिक एक स्केलेटन है, और इसकी बॉडी में कंपार्टमेंट्स हैं, ये कंपार्टमेंट्स जो हैं ये इनकी लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहे हैं, और उसके अलावा इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। मतलब इनके स्केलेटन को सपोर्ट देते हैं, और उसके अलावा इसके सपोर्टिव फंक्शंस जो हैं अगर हम देखें नॉन मेटामेरिक एनिमल्स में बिल्कुल नहीं है। ये जो फंक्शंस इसमें हैं ये नॉन मेटामेरिक एनिमल्स में हम नहीं देख सकते। इनकी लोकोमोशन जिस टाइप की है उस तरह की उन एनिमल्स की नहीं होती। अच्छा जी, सेकेंड एडवांटेज क्या है कि जो मेटामेरिज्म है वो इम्पेक्ट ऑफ इंजरी को कम करता है। अगर कोई सेगमेंट इंजर्ड हो जाए तो क्या होता है कि कोई नया सेगमेंट आकर उस सेगमेंट को चेंज कर लेता है, और उसके फंक्शंस परफॉर्म करना शुरू हो जाता है। इससे जो वॉर्म है वो सर्वाइव कर सकता है ऐसी कंडीशंस में भी। और तीसरा फंक्शन क्या है कि ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन, मतलब ये इसकी बॉडी जो है मॉडिफाई हो जाती है। मॉडिफाई होने के बाद वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है, हेल्प करती है फीडिंग में, लोकोमोशन में, रिप्रोडक्शन में। बॉडी के पार्ट्स का ऐसे रीजन में, ऐसे स्पेशलाइज्ड रीजन में डेवलप होना और चेंज होना जो है मेटामेरिक एनिमल्स में, ये प्रोसेस टेगमेटाइजेशन कहलाता है। बॉडी के ऑर्गन्स का स्पेशलाइज होना टेगमेटाइजेशन कहलाता है। ओके,